Okay, I am on a dragon and मैं टेराडॉन से इसके पीछे जा रहा था और उसके ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके पंख में जैसे जैसे चिपका हूँ और क्रिस्टल्स मेरे इन्वेंट्री में है, होपफुली मैं इसको टेम कर पाऊँ। जी जी टू दैट हो जाएगा, नहीं तो अगर मैं गिरा यहाँ से। और मैंने अपने टेराडॉन को मुझे फॉलो करने के लिए कहा है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये मुझे फॉलो करते रहेगा। होपफुली मैं मरूँ ना गिर के। और इसमें ग्लिच हो रहा हूँ। सबसे बेस्ट पिक यही। ओह शिट, आई हैव ट्रेम्ड क्रिस्टल वाइवन। होली माय गॉड। लॉल, इसका नाम क्या रखूँ मैं? इसका नाम हम सोचते हैं। अभी रुक जाओ, पहले मुझे इसको राइड करने दो। ओह माय गॉड, यस 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 यस, दिस इज इट। बाप रे, इतनी इजी ट्रिक है ये, कुछ ज़्यादा ही इजी है। सच में बहुत इजी ट्रिक है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। होली मामा। मतलब कि मुझे कितना टाइम लगा होगा इसको टीम करने में? व्हाट? रुको। ओके, तो हमने हमारा फर्स्ट क्रिस्टल वाइवन, एक्चुअली हमने फर्स्ट वाइवन टीम किया है हमारा आर्कोल्ड का, और क्रिस्टल वाला मस्त लग रहा है ये। भाई साहब मज़ा आ गया। ये ब्लू क्लस्टर क्रिस्टल वाला है, इसका भी मैंने नाम नहीं रखा है। और मैं जस्ट ट्राई कर रहा था क्योंकि मैंने ये टेराडॉन पकड़ा है जो कि 100 लेवल का था। मैंने उसको टीम करके इसका 152 लेवल हुआ है, इसका स्टैमिना ठीक ठाक है। तो मैं क्रिस्टल मेरे लास्ट इन्वेंट्री में रख के आपको इसको फीड कराना रहता है, तो ये टीम हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा इंटरवल लेता है, मतलब कि जब भी आप इसको एक बार खिलाते हो तो ये बोलता है कि जब ये हंग्री होगा तब आपको खिलाना होगा, ठीक है। तो इसका मिली डैमेज अभी ये लल्लू पल्लू है क्योंकि 74 लेवल का है, पर है तो सही एक ड्रैगन हमारे पास। मैं इसकी हेल्थ बढ़ाता हूँ, फिर हम इसका वो बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ है, ठीक है। नॉइस, और इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या करा था मैंने, बस अपने जो ये लूप है मेरा टेराडॉन, इसके ऊपर बैठा मैं, क्रिस्टल लिए, और इसके जस्ट मैं साइड में उड़ता हूँ और जैसे ही मैं कूदता हूँ उतरता हूँ अपने टेराडॉन पे, तो इसके बैक पे उतरने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे तैसे करके मैं इसके पंख में अटक गया था, ठीक है। आप इसके पीठ के ऊपर बैठ जाओ तो आप या क्राउच कर सकते हो या प्रोन पोजीशन में जा सकते हो। बस थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको इसको क्रिस्टल्स खिलाने रहते हैं। और प्राइमल क्रिस्टल अगर आपको मिल जाए, वो इनके इन्वेंट्री में ही रहते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप इनको, वो बहुत जल्दी टेम होते हैं उससे, और ठीक है। तो इसे क्या खिलाना चाहिए मुझे? चलो हम थोड़ा सा इसके राइड लेके आते हैं। लॉल। अरे रे, इधर एक ब्रॉन्टो भी घूम रहा है। इसके अटैक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ पर कोई दिख रहा है क्या? छोटे क्रीचर्स को ये ऐसे ही उड़ा देता है, हवा में नॉकबैक करता है इसके विंग से। ये है क्या, ये ट्राइसेराटॉप्स है? हाँ, ट्राइसेराटॉप्स को शायद नहीं नॉकबैक कर पाएगा, पर ये मॉशॉप को कर लेगा ज़रूर। ए वेट वेट, ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। मुझे गामा ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि रात हो गई है। ओके तो यहाँ पर एक ट्राइसेराटॉप्स है, ये देखो, ये इसका सी अटैक है, ठीक है, सी वाला है। पर एक और चीज़ आपने नोटिस करी कि इसके ये विंग अटैक से ये थैच भी कलेक्ट करता है साला, ये थैच भी कलेक्ट करता है और साथ ही साथ वुड भी कलेक्ट करता है और नॉकबैक देता है छोटे क्रीचर्स को। मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर काम करता है क्या वो, रुको, पैरासोर के ऊपर काम करता है क्या? मैं पहले इस तरफ से बहुत निकलता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। थोड़ा फ्लैट ग्राउंड देखना पड़ेगा मुझे, जहाँ पर मैं थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट कर सकें हम, हमारे वाइवन का। फिर मैं आपको अटैक्स दिखाता हूँ इसके, कौन कौन से अटैक्स हैं। और देखो आपको बफ नज़र आ रहा है, रुको मुझे इसको थोड़ा सा और हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है, ये देखो थैच कलेक्ट करता है और बहुत सही तरीके से थैच कलेक्ट करता है। ये तो 74 लेवल का ही है मेरे पास वाइवन, और इससे ज़्यादा बड़ा वाइवन आएगा तो आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। इससे ये थोड़ा फ्लैट ग्राउंड है, पर यहाँ पर कोई क्रीचर्स नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर एक पक्षी है। ओह ये है ना, यहाँ पर रुको रुको रुको, यहाँ पर हाँ ये देखो, ये पानी के ऊपर उड़ता है ना तो इसको पूछ मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दो है, एक ये इसका नॉकबैक मिला। छोटे क्रीचर्स को मिलता, मतलब कार्बोनेमस को नहीं मिल रहा है। वो मेरे सामने जो था छोटू क्या कहते हैं इसको, डिलोफोसॉरस, उसको नॉकबैक मिला है। और ये पैसिव मतलब कुछ नहीं करेगा डिलोफोसॉरस हमको अभी। देखा वो गया उड़ के पीछे। और इसका जो अटैक है वो चिल अटैक है। हाँ ये वाला है, ये वाला इसका राइट क्लिक है। इसमें ये आइस, ओह शिट साले, नाइस 145 लेवल का था। जी जी हमारे वाइवन को हुआ है ब्लाइंडनेस, हमें क्यों दिखा रहा है ये? ओके ये इसका स्प्रे अटैक है, ठीक है। रुको इसका लेवल अप हुआ है ना, इसका लेवल अप करने दो। अभी मैं थोड़ा इसका हेल्थ में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इधर दो तीन और डिलोफोसॉरस है। अभी सुबह होगी तो और मस्त लगेगा। ये नियॉन ग्लो करता है रात में। ये इसका स्प्रिंट है जो ग्राउंड में करता है ये बस, ठीक है। यहाँ पर दो तीन और डिलोफोसॉरस घूम रहे थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुबह होने का वेट करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ हो रहा डिलोफोसॉरस। और इसका अटैक जो है वो राइट क्लिक वाला है, ये वाला देखा, मतलब फ्रीजिंग वाटर फेंकता है शायद ये, यस, जिससे आपको पर सेकंड डीपीएस मिलता है उसको, जो जो डेल्ट जिसको मिल रहा है डैमेज, ठीक है। नाइस। और शायद ये मेले डैमेज में बढ़ता हो ये वाला, मुझे लगता है कि मेले डैमेज में बढ़ता है ये वाला। वेट इसका ज़्यादा नहीं है, 384 ही वेट है, ठीक है। और मुझे वहाँ पर भी जाना है, वो आपको माउंटेन दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ पे बहुत मस्त चीज़ है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, उसको भी ट्राई करेंगे। इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फ्लायर्स की स्पीड आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मूवमेंट स्पीड जिसकी 100% ही है, थोड़ी और रहती तो मज़ा आता। चलो मैं सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो सुबह हो गई है और ये देखो ये हमारा क्रिस्टल वाइवन है, ठीक है। और इसके दो अटैक्स हैं, दो नहीं तीन अटैक्स हैं। ये इसका नॉकबैक है, ठीक है, जिससे पीछे धकेलता है। और ये वाला इसका चिल अटैक है, जिसमें ये चिल्ड वाटर या फ्रोज़न वाटर स्पिट करता है जिससे डैमेज मिलता है, ठीक है। और एक है बाइट अटैक, ये वाला रेडी। और इसको पास से देखते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर पूरा मैंने ऑन ऑफ करके रखा ना, इसके पूरे चेहरे पर क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स है। ऐसे तीन प्रकार के ड्रैगन्स हैं, ठीक है, इस पूरे आइलैंड में। एक सैफरन है, एक ये क्रिस्टल ब्लू क्रिस्टल है शायद, और एक और शायद पर्पल वाला है आई गेस, नहीं रेड, हाँ रेड वाला है, जो कि अलग अलग बायोम्स में मिलते हैं, ठीक है। वो ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, ऑरेंज क्रिस्टल्स वहाँ पर ऊपर, ओ वहाँ पे वो दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा एक दूसरा सैफ्रॉन वाला ड्रैगन, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लू क्रिस्टल्स जहाँ पर है, इस जगह पे आपको ये वाले ड्रैगन्स मिलेंगे। और एक और है रेड वाली जगह, उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है, पर वहाँ पर आपको दूसरे ड्रैगन्स मिलेंगे। ओके तो मैं अपने लूप को भी लेके चलता हूँ साथ में, कि रहने दूँ लूप को, हम यहीं पर बिठा के रखते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस। ओके सही, यहीं बिठाते हैं, हम थोड़ा घूम कर आते हैं उधर डेजर्ट बायोम में। बहुत मस्त लगता है ये। मैंने गामा तो ऑन करके रखा नहीं है ना, नहीं ऑफ है, सिक। अब मुझे शायद यहाँ पर गर्मी लग सकती है, ठीक है, और इसलिए मैं गिली सूट पहन के आया हूँ। मैं पहले इस तरफ ही जाने वाला था, पर मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा देर वेट करते हैं। मैं इसलिए गिली सूट बना के रखा है कि मेरे को डेजर्ट में जाना होगा तो मुझे एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये जगह देखनी थी मुझे। यहाँ पर कहीं पर एक गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन नहीं, आपको पहले ग्लव्स उतारो, मैप निकालो। हाँ, इस तरफ इसी डायरेक्शन में आगे कहीं पर वो है, गोल्ड नहीं, क्या कहते हैं उसे, आयन माइन। आयन की बहुत बड़ी माइन है कि मैप तो भाई बहुत मस्त है ये वाला। इज दैट अ लूट, इज दैट अ लूट, शायद वो लूट है। आर्टिफैक्ट है, व्हाट, इसमें आर्टिफैक्ट ऐसे बाहर मिलते हैं? जी जीज, होली क्रैप। इसको लेने से क्या होगा? मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, देखते हैं फिर भी। ये कौन सा आर्टिफैक्ट है? बाप रे, स्कॉर्च स्किन। वो आप अल्टीमेट अनलिमिटेड आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर सकते हो इसमें। ओनली वन ऑफ दिस मे बी कैरीड एट वन टाइम एंड ऑर्गेनाइज फाउंडेड विद इन द डेप्थ्स ऑफ द स्कॉच्ड अर्थ। अच्छा, ये स्कॉच्ड अर्थ का आर्टिफैक्ट है। क्या नाम है इसका? आर्टिफैक्ट ऑफ द क्रैग। ओके नाइस, मुझे नहीं पता था। और ये हमारी बबल्स, अगर आपने बबल्स से नहीं मिले हो तो, कहाँ गई ये रही, हेलो बबल्स, शी इज़ क्वाइट फैट। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट का क्या चक्कर है? क्योंकि ऐसे बाहर आर्टिफैक्ट्स शायद कुछ ही दूसरे मैप में मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्कॉच अर्थ और आइलैंड ही खेला है। मे बी इसका कुछ अलग सीक्रेट हो। मैं इसलिए इधर निकला हूँ घूमने के लिए कि यहाँ पर से हमें कुछ मिले। और एक और चीज़ क्या मिली है मुझे? स्किन मिली, शायद टॉर्च स्किन है। ओके, लाइट अप द डेजर्ट नाइट विद द थीम्ड टॉर्च स्किन। नाइस भाई, नई अपडेट आती है ना तो मज़ा आता है खेलने में। ओह माय गॉड। ओके, ये वाला है वो रेड ड्रैगन, दिख रहा है आपको? वहाँ पर घूम रहे हैं वो, ये वाला। ये भी बहुत मस्त लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे लावा पिट में से निकल के बाहर निकला हो। इसके मुँह पर आप देखना कैसी, हो मुझे पता नहीं है कि एग्रेसिव हैं कि नहीं, पर मैं ट्राई नहीं करना चाहूँगा। और एक और ड्रैगन है, वो ये वाला है। दो वेरिएंट है रेड ड्रैगन्स के, बहुत मस्त लगते हैं। हाँ, इधर शायद ऑयल वेन भी है आसपास कहीं पर। हाँ वो रहा, देखो बोला था ना मैंने, यहाँ पर एक आयन वेन है। कैसे बैठा है ये लटक के। ये रही आयन की वेन, प्योर आयन। यहाँ पर आपको प्योर आयन नहीं, पर आयन आपको मेटल, सॉरी मेटल बहुत मस्त तरीके से मिल सकता है अगर आपने यहाँ से वो करा है तो। मैप देखो कितना बड़ा है। वहाँ सामने मुझे डेजर्टेड बायोम दिख रहा है उधर पे, और शायद इसके अंडरग्राउंड केव्स भी है। जो हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अब मुझे देखता हूँ मैं नीचे जाकर, नीचे क्या है। और इसके इस तरफ तो देख लिया हूँ मैं। ये और कुछ मिलता है क्या? लोग कह रहे थे कि इसमें अंडे भी हैं, शायद मुझे यहाँ पर एक अंडा मिल जाए, मे बी, आई डोंट नो। तो क्रिस्टल है, ऊपर की तरफ देख कर आता हूँ या फिर मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली मुझे वहाँ पर मिल जाए। जैसे स्कॉच अर्थ में इनके नेस्ट हुआ करते थे ना, वैसे इसमें भी इनके नेस्ट हैं, छोटे छोटे। क्योंकि इसमें स्कार नहीं है तो आपको इसी बायोम में ही कहीं मिल जाएंगे वो। नया मैप रहता है, एक्सप्लोर करने में भाई मज़ा आता है, नई नई चीज़ें देखने के। व्हाट द हेक वाज दैट? ये थाच फेंको पहले तो। की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, हो गया रिकवर इसका स्टैमिना। यहाँ पर नीचे सार्कोस का कार्नोस घूम रहा है और सेबर टूथ भी है यहाँ पर। चलो पता चल गया कि मुझे कौन से, सेबर टूथ नहीं है, थाइलोकोलियो है। नीचे देखो थाइलोकोलियो घूम रहा है वहाँ पे। व्हाट द हेक, व्हाट इज़ दैट? अच्छा ये रैवेजर्स, ओके। तो ये कोई से बीच में कोई से मैप पे आए थे तो जो मुझे पता नहीं है जिसके बारे में, और इसकी मुझे स्किन मिली है कि कुछ तो मिला है। नहीं, इसकी मुझे सैडल मिली है रैवेजर की। ये हाइनास की तरह है रैवेजर्स, इसी की सैडल मिली थी मुझे, असेंडेड सैडल लूट क्रेट में से। ओके, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे आसपास। काफ़ी सारे ड्रैगन से, पर वो देखो मोलेटॉप से नीचे। और मतलब कि इस मैप में आपको सारे क्रीचर्स मिलेंगे, सारे बायोम्स मिलेंगे। और इसमें पता नहीं ग्रिफिन है कि नहीं, मेरे ख्याल से होना चाहिए ग्रिफिन, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा। ओके, डेजर्ट में हाइनास की जगह रैवेजर्स हैं। मुझे लग रहा है रैवेजर्स रैग्नारॉक में होंगे आई गेस। ओके, उधर एक ड्रॉप है, वो लेते हैं पहले तो, क्योंकि ड्रॉप में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है अभी हमें, तो फिर मिल जाए इसमें कुछ और अच्छा। व्हाट द टाइमिंग डूड, द टाइमिंग। ओके एवरीवन, तो मैं जैसा बोल रहा था कि मैंने आज तक ग्रिफिन देखा नहीं है, और क्योंकि आइलैंड मैप पे नहीं था, ना ही स्कॉर्च अर्थ पे ग्रिफिन है। ग्रिफिन है क्या स्कॉर्च अर्थ में? आई थिंक मुझे भी नहीं पता है कि है कि नहीं। ओके, तो ये देखो इस आइलैंड पे मुझे ग्रिफिन्स मिले हैं। कहाँ पर, भी दिखाता हूँ आपको। मैंने फर्स्ट टाइम इन आर्क देखे हैं ग्रिफिन्स। देखा लेवल 15 वाइल्ड ग्रिफिन, और ये शायद इसका एग है मे बी। 55 लेवल वाइल्ड ग्रिफिन। 3-4 ग्रिफिन्स हैं, और एक और कहीं गया उड़ के शायद। नहीं, 3 ग्रिफिन है इधर। हाँ, वो रहा एक और उसके पीछे। मुझे कहीं से एंगल नहीं मिल रहा अच्छा इसको देखने के लिए, मैं उस तरफ से घूम कर आता हूँ। भाई साहब, अब तो मैं ग्रिफिन टेम करने वाला हूँ, मज़ा आएगा ग्रिफिन टेम करने में। बैठ जा। नहीं, इधर नहीं बैठने का है। चलो मैं उस वॉल पे चलता हूँ, उस क्लिफ पे चलता हूँ, उधर से ठीक रहेगा। ठीक है, वहाँ से देखेंगे हम इसको। बैठ के कैसन दिखत है ई। ओके, होपफुली दिस इज क्लोज इनफ फॉर मी, सो मैं मरू ना। भाई साहब, इधर तो कॉलोनी बसी हुई है ग्रिफिन्स की। ओह, ये अंडे नहीं है, क्रिस्टल्स है क्या ये? भाई साहब, ये मेरे तरफ ना आया बस। 55 लेवल के। ओह, एक और ग्रिफिन है उधर, केव है शायद। वो केव के थ्रू दिख रहा है क्या, उसका नेस्ट है शायद से। 3-4 ग्रिफिन, 3-4 नहीं, बहुत सारे ग्रिफिन्स हैं, और हम टेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहीं पर ही मुझे एक ऐसा ट्रैप बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैं इनको बिठा के टेम कर सकूँ। अब निकलने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, इधर एक लूट है, होपफुली मैं इसको लूट सकूँ, क्योंकि रेड कलर की है शायद। एक्सेस मेरे पास नहीं होगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। गुड, थैंक यू। नो, 80 लेवल का होना मुझे इसको खोलने के लिए। सैड लाइफ। ओ, वो रहा पीछे एक और ग्रिफिन। मतलब कि ये अंडरग्राउंड जो कैनियंस जो हैं, ये पूरे भरे हुए हैं ग्रिफिन से, तो हम इनको टेम कर सकते हैं फिर। यस 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 यस, ये क्या है? सेबर टूथ घूम रहा नीचे। मुझे इनका भी नेस्ट देखना था कि ग्रिफिन्स का नेस्ट है कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ कि आप इनको ब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो म्यूटेशन या किसी भी चीज़ का शायद इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि अनब्रीडेबल है ये शायद से ग्रिफिन्स। तो वो मेरे को पता नहीं वो क्या है क्रिस्टल, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनका नेस्ट भी। ओह हेलो हेलो रेवेजर्स, वांट टू फाइट? अरे मैं इनको नॉक बैक कर सकता हूँ ना, क्लिफ से नीचे धकाते हैं इनको। रुको, यहाँ पर बैठो और कबूम। नहीं गए, बट्टे बहुत होशियार है। अच्छा ये मुझ पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि मैं ग्रिफिन पे बैठा हूँ। एक और बैठ रहा है। ओ गए, जा रहे हैं पर इतनी दूर तक नहीं जा रहे। लेट्स सी ओ गया एक तो ये हाइनाज है, रैवेजर्स सवाना के हाइनाज है। इनका बॉस है, इनका बॉस के बॉस को नीचे गिराता हूँ पहले तो मैं। ये गया इनका बॉस। Get off my cliff, I want to loot this thing, okay? Good help. साला नीचे नहीं गिरता है। ओ बाप रे, बाप रे, ये ब्लीडिंग डैमेज देते हैं रैवेजर्स। जी जी खतरनाक है ये तो। अच्छा हो मैं नीचे नहीं गिरा, नीचे नहीं उतरा और मैंने इनको वो नहीं करा। भाई ये तो मस्त है फिर रैवेजर्स। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं रैवेजर्स कुछ। ओके यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई है आसपास। हम जाते हैं और ग्रैब करते हैं ये लूट। ओह ग्लो स्टिक, ये मुझे सेकंड टाइम मिल रही है ग्लो स्टिक। ओके तो ये हमारा जो है इसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा और हाई लेवल वाला मुझे एक और वाइवन पकड़ना पड़ेगा। पर चलो हमें इस तरफ कोई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई है अब, मस्त मस्त वाली। तो मैं शायद अब इस तरफ आऊँगा और एक प्लेटफॉर्म बनाऊँगा ताकि मैं ग्रिफिन को पकड़ सकूँ, टेम कर सकूँ। क्योंकि ग्रिफिन अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम देखा है आर्क वर्ल्ड में। वीडियोस भले ही देखी हैं पर मैंने एक्चुअली खेलते वक्त शायद फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है ग्रिफिन और उसका नेस्ट। एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या है, क्या चालू है इधर? कुछ है क्या? ये ड्रैगन क्यों मंडरा रहा है इधर पे? ज़रूर कुछ गड़बड़ है इधर। नहीं, नियत मेरे को मेरा टैराडॉन लेके आना पड़ेगा। ओके ऑलराइटी गाइस, तो हमने हमारा फर्स्ट वाइवन, क्रिस्टल वाइवन टेम कर लिया है। इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस क्रिस्टल खिलाने पड़ते हैं। अगर आपके पास प्राइमल क्रिस्टल्स हों तो और इजी हो जाता है इसको टेम करना। ओके और हमने एक और आर्टिफैक्ट भी निकाला है, ये देखो, आर्टिफैक्ट ऑफ द क्रैग। उसके साथ साथ हमें एक स्किन भी मिली है टॉर्च की। ये शायद स्कॉर्च अर्थ का है, फाउंड विद इन द डेप्थ ऑफ द स्कॉर्च अर्थ। और ये ऊपर ही मिला था मुझे, ठीक है। तो सी ऑल गाइस, नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम ग्रिफिन का ट्रैप बना सकते हैं कि नहीं, और होपफुली मैं उसको टेम कर पाऊँ। नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई पूरा करूँगा। ओके तो लेट्स गो। और अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखनी है मेरी तो मैं ट्विच टीवी, रियो टीवी पे और यूट्यूब चैनल, जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है Egan22 इस लाइव पे, उस पर स्ट्रीम करता हूँ। तो सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।